नमस्कार, 22 जिले 22 खबर में स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। खबरों की शुरुआत करेंगे। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी यमुनानगर टोल प्लाजा पहुंचे। उन्होंने यहां किसानों को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा और पीएम मोदी को झूठा करार दिया। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी आज यमुनानगर टोल प्लाजा पर पहुंचे। वह ट्रैक्टर चलाकर टोल प्लाजा पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि 27 नवंबर से किसानों का धरना जारी है, लेकिन केंद्र सरकार जो हरियाणा उनके कानों में जूं तक नहीं रेंग रही। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हरियाणा सरकार काम कर रही है, किसी की सुन नहीं रही है और यह जल्दी जाने वाली है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। यदि सरकार कहती है कि कानून के पक्ष में है तो वो क्यों नहीं सरकार जो है किसानों के पास बैठकर बात करती, किसानों को समझाए इसमें गलती किसकी है, या कानून कहाँ ठीक है कहाँ गलत है। उन्होंने कहा कि जब तक ये कृषि कानून सरकार वापस नहीं लेगी, किसान अपना धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। उन्होंने यहाँ पर आए किसानों को आह्वान किया कि वह टोल पर भी डटे रहें और दिल्ली की तरफ भी कूच करें। गुरनाम सिंह चढ़ूनी जहाँ जहाँ भी टोल प्लाजा पर किसान धरने दे रहे हैं या डटे हुए हैं, वो उनका हौसला अफजाई के लिए वहाँ पहुँच रहे हैं। यमुनानगर से देवीदास शारदा, इंडिया न्यूज हरियाणा। और मैं करनाल लघु सचिवालय में 5 गांव के किसानों ने चकबंदी को लेकर और रिकॉर्ड से छेड़छाड़ करने के विरोध में प्रदर्शन किया है। किसानों ने गेट पर धरना दिया और डीसी को ज्ञापन सौंपा है। जिले के 5 गांव की जमीन की चकबंदी करने की मांग को लेकर आज किसानों ने जमकर सरकार को कोसा। वहीं किसानों की जमीन की चकबंदी रिकॉर्ड से छेड़छाड़ की जा रही है, उसका विरोध किया। आज चकबंदी पीड़ित 5 गांव कालरम, रईपुरा, भरतपुर, लालूपुरा, अमृतपुर कला के हजारों सैकड़ों किसान डीसी करनाल को ज्ञापन देने आए, उनको याद कराने आए। हमें पिछली 4 तारीख को डीसी करनाल से मिले थे, उसके बाद 9 तारीख को मिले थे, 10 तारीख को सीएम साहब ने आना था यहाँ कामला में। डीसी साहब ने किसानों को बुलाया, मीटिंग हुई। हमारी 2-3 मांग थी भी, एक तो जो रिकॉर्ड नया तैयार कर रहे, इंतकाल जमाबंदी बनाने लग रहे और रिकॉर्ड नए दाखिल करने की फिराक में, इस पर तुरंत रोक लगाई जाए। डीसी साहब ने 10 तारीख को देखते हुए तुरंत आश्वासन दिया, भाई सारी चीजों पर रोक लगा दी गई है, आज के बाद कोई नई रजिस्ट्री, इंतकाल जमाबंदी नहीं होगी। और भी 2-3 मांग थी हमारी, डीआरओ करनाल पर हमारे केस चल रहे थे, बिन में जल्दी फैसला हो। डीआरओ करनाल ने तो अपना कर दिया, हमारे जितने केस थे गुंडा चल गए, लेकिन डीसी करनाल को शायद कम सुनाई देता है, कम दिखाई देता है, किसान दिखाई नहीं देते। उसके बावजूद भी कुछ रिश्वतखोर, गुंगे, बहरे, रिटायरमेंट अधिकारी जिन्हें पीसों की भूख है, आज भी दफ्तरों में बैठे हैं। हमारे पास फोटो है, रिकॉर्डिंग है, एक भी चीज बंद नहीं हुई। डीसी करनाल का झूठा आश्वासन है, झूठा। और वहीं दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने गलत मीटर रीडिंग और एवरेज आधार पर बिल आने की समस्या को निपटाने के लिए घर बैठे सुलझाने का तरीका निकाला है। दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम के मातहत आने वाले बिजली उपभोक्ताओं को अब अनाप शनाप या फिर एवरेज बेस के बिलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। दरअसल DHBVNL यानी दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड के द्वारा एक नए ऐप की शुरुआत की गई, नया ऐप लॉन्च किया गया। इसके मुताबिक उपभोक्ता अब वास्तविक रीडिंग की फ़ोटो लेकर विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर पाएंगे, जिसके बाद उनको वास्तविक बिल ही मुहैया करवाया जाएगा। हालांकि अक्सर देखने में आता था जब बिजली निगम का कर्मचारी जब उपभोक्ता के घर पर जाता था, प्रीमिसेस पर जाता था, तो या तो प्रीमिसेस लॉक दिखाया जाता था या फिर मीटर में तकनीकी खामी की वजह से रीडिंग नहीं ली जा सकती थी। इस वजह से उपभोक्ताओं को अनाप शनाप बिल अदा करने पड़ते थे, लेकिन विभाग के द्वारा, निगम के द्वारा नई पहल की शुरुआत की गई, नई पहल का आगाज़ किया गया, जिसके मुताबिक अब उपभोक्ता ट्रस्ट रीडिंग नामक ऐप के जरिए ना केवल खुद ही बिजली मीटर के फ़ोटो लेकर उनको अपलोड कर पाएंगे, बल्कि वास्तविक बिल भी उनको मिलेगा। साथ ही साथ बिजली निगम के अधिकारियों की अगर बात करें, एक नंबर, हेल्पलाइन नंबर जो है 1912 1912 पर भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। ऐसे में अगर शिकायत मिलने के बाद कर्मचारी आता है तो वो तुरंत समस्या का भी निदान करेगा। लेकिन ट्रस्ट रीडिंग ऐप उनके लिए कारगर साबित होगा जो कि इंटरनेट इत्यादि का इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम की इस मुहिम को नायाब माना जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा।
और वहीं बाबा लालजी महाराज के 666वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में अंबाला में शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा कंच घर से शुरू होकर अंबाला शहर के विभिन्न बाजारों से होती हुई वापस कंच घर पर जाकर समाप्त हुई। शक्तिनगर वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से शोभा यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की और शोभा यात्रा का स्वागत किया। वहीं दूसरी तरफ विशाल भंडारे का भी शुभारंभ किया। इस अवसर पर शक्ति रानी शर्मा ने लोगों के साथ नीचे बैठकर भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा ने कहा है कि बाबा लाल जी महाराज ने हमेशा भाईचारे और मिलजुल कर रहने का संदेश दिया है और हर किसी को उनके दिखाए रास्ते पर चलना चाहिए। इस दौरान शक्तिनगर निवासियों ने अपनी समस्याएं भी बताई, जिसे शक्ति रानी शर्मा ने हल करवाने का आश्वासन दिया। और अब बात करते हैं कैथल की, जहां जिले के 37 गांवों में महाग्राम पुस्तकालय खोले जाएंगे। उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से जिले में ये महाग्राम पुस्तकालय उपमंडल और खंड स्तर पर खोले जाएंगे। इसके पीछे विभाग का उद्देश्य है कि ग्रामीण परिवेश के बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके और ग्रामीण परिवेश के बच्चे भी कंपटीशन की तैयारी कर सकें। इन पुस्तकालयों में हर आयु वर्ग के बच्चे और लोग ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ सकते हैं। फिलहाल विभाग के प्रत्येक पुस्तकालय के लिए 3 लाख रुपए की राशि निर्धारित की गई है। जिले में 37 महाग्राम पुस्तकालयों के लिए करीब 1,11,00,000 रुपए निर्धारित किए गए हैं। और इस बारे में जानकारी देते हुए स्वामी विवेकानंद जिला पुस्तकालय के जिला पुस्तकाध्यक्ष और नोडल अधिकारी श्याम सुंदर कौशिक ने बताया है कि उपायुक्त सुजान सिंह से मिलकर काम को गति दी जाएगी। और सरकारी पैसों को अगर ठिकाने लगाना हो तो रेवाड़ी नगर परिषद से सीखें। जी हाँ, अधिकारियों ने शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर लाखों रुपए के अंडरग्राउंड स्मार्ट डस्टबिन लगा दिए हैं, मगर इसके बाद जैसे दावे किए गए थे धरातल पर नजर नहीं आते। हकीकत तो ये है कि उस हिसाब से इन स्मार्ट डस्टबिन का इस्तेमाल तक नहीं किया गया, ना ही इनके अंदर सेंसर लग पाए और ना ही सॉफ्टवेयर डाला गया ताकि भरने पर डस्टबिन से सायरन बजे और अधिकारी ऑटोमेटिक तरीके से कंपैक्टर मशीन भेजकर इन्हें खाली करवा सकें। नगर परिषद का खजाना तो खाली हुआ, बाकी कोई प्लानिंग पूरी नहीं हुई। अधिकारी बताते हैं कि शहर में 8 जगह पर ये डस्टबिन लगाए गए हैं, जिन पर 50 लाख से ज्यादा की राशि खर्च की गई। इतनी मोटी रकम को अधिकारियों ने सिर्फ स्मार्ट डस्टबिन का प्रयोग करके देखने पर खर्च कर दिया, जबकि अब इन डस्टबिन का इस्तेमाल सामान्य डस्टबिन की तरह ही हो रहा है। और वहीं सिरसा शहर को पूरी तरह से तीसरी आंख की निगरानी में लाने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 40 नए स्थानों पर करीब 100 सीसीटीवी कैमरे लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। इसके लिए 50 लाख रुपए की राशि भी पुलिस विभाग के पास पहुंच चुकी है। बाजार हो या कोई कॉलोनी, आने जाने वाला कोई भी रास्ता हो, उस पर सीसीटीवी के जरिए निगरानी रखी जाएगी। इससे पहले भी शहर में 25 जगहों पर 96 सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं। ये पहले जो है लगभग 96-97 कैमरे इंस्टॉल हुए हैं और आगे भी 50 लाख रुपीज़ जो हैं और आए हैं प्रशासन के पुलिस के पास, और उसमें लगभग 100 कैमरे और लगेंगे विभिन्न स्थानों पे सिरसा शहर में। मैपिंग पहले की हुई है, जो हमारे सिक्योरिटी एस्पेक्ट है उसने मैपिंग की हुई है और उसके हिसाब से कैमरे लगाए जाएंगे सिरसा सिटी एरिया में। पूरा शहर कवर हो जाएगा, एंट्री पॉइंट्स और जो मेन चौक। और अब बात पानीपत की करते हैं, जहां नशा मुक्ति केंद्र की हैरान कर देने वाली काली करतूत सामने आई। नशा मुक्ति छुड़वाने के नाम पर लोगों के साथ अत्याचार किया जाता है। नशा छुड़वाने की बजाय एडमिट लोगों को नशे की डोज दी जाती है। इतना ही नहीं, सेंटर में नशा छोड़ने के लिए आए लोगों के साथ बात बात पर मारपीट की जाती थी। डीजी हेल्थ को सूचना मिली कि बिंझौल स्थित नशा मुक्ति केंद्र में ये घिनौना खेल चल रहा है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग और पुलिस बल के साथ मौके पर रेड कर डाली। 37 लोगों को मौके से बुरी अवस्था में रेस्क्यू किया गया है। नशा मुक्ति से छुड़वाए गए लोगों ने कहा है कि रात भर उन्हें पीटा जाता था, 15 दिन एक ही कमरे के अंदर 37 लोग रहते थे। स्थिति जानवरों से भी बुरी हो चुकी थी। फिलहाल सभी को नशा मुक्ति केंद्र से छुड़वा कर सरकारी अस्पताल में रखा गया है। बिगड़ जाता था नहीं, उसके लिए सारी रात दीवार के नीचे पीटते थे, बिठा देते थे। मन खाना पहले बन गया नहीं, 1 घंटा पहले बन गया, बेलन रखा, बेलन पर बिठा देते थे। ऐसा ऐसा टॉर्चर कर रहे थे जी, नील भी पड़ रहे जी भाई साहब को देख लो जी। ना कुछ नहीं करा दे, आप खुद नशा करके पीटे दे,
डंडे थे उड़ा मोटे मोटे बिंडे थे जी लठा गेल पीटर दे मरने वाले चार आदमी है जी गिलास परजंदा गिलास बाबत है नहाने में टाइम लग गया नहाने बाबत है खाने में टाइम लग गया खाने बाबत है मारे को ये एडीसी साहब गए थे पुलिस गई थी डीसी जी गए थे पूरी टीम गई थी वहाँ ले आई जी छटवाया जिंजोल गांव में एक नई किरण नाम से संस्था गैर तरीके से नशा मुक्ति केंद्र चला रही है उसमें तुरंत हमने टीम बना के माननीय अतिरिक्त उपायुक्त की अध्यक्षता में सीएमओ साहब और जिला समाज कल्याण अधिकारी में और अपने सेक्रेटरी के डॉक्टर एसडीएम साहब वहाँ गए थे हमने जाके मौके पे वहाँ उनको जब देखा तो एक हॉल के अंदर ही उसके अंदर कोई वेंटिलेशन नहीं था उसी के अंदर रसोई उसी के अंदर बाथरूम था तो बहुत बहुत अजीब तरह की बदबू उसके अंदर आ रही थी। जब लोगों से पूछा तो मैंने सबसे पहले उनसे ये पूछा कि भैया आप अपना रजिस्ट्रेशन दिखाइए कि अगर आपको अथॉरिटी है रजिस्ट्रेशन लेटर आपके पास है तो बताइए। वो आनाकानी करता रहा हमने उससे पूछा कि आप आइए दिखाइए। उसने कहा जी मेरे पास रजिस्ट्रेशन नहीं है मेरी संस्था है वो रजिस्टर्ड है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत लेकिन वो नशा मुक्ति केंद्र चलाने के लिए सक्षम नहीं है क्योंकि नशा मुक्ति के लिए सर्टिफिकेट जो देते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल जो कमेटी है अगर वो रिकमेंड करके स्टेट हेडक्वार्टर को भेजेगी सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट और डायरेक्टर सोशल जस्टिस और डायरेक्टर हेल्थ वो दोनों नशा मुक्ति के लिए लाइसेंस देने के लिए कंपिटेंट अथॉरिटी है अगर वो लाइसेंस दे देती है तो नशा मुक्ति केंद्र वैध है और वो लाइसेंस नहीं था इसलिए नशा मुक्ति केंद्र अवैध था। दूसरा जब हमने देखा कोई वेंटिलेशन नहीं था सीसीटीवी कैमरेज नहीं थे वहाँ पे उनके रहने की सुविधा बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी और जो उनका हमने मुख्य उसका देखा कि मेन जो गेट लगा रखा दोनों मेन दरवाजे का अंदर जाके दरवाजा था वो हॉल था उस हॉल के अंदर कहीं हवा की कोई रोशनदान नहीं था हवा से उन जैसे उन्होंने बताया हमारे को जो लोग थे पीड़ित लोग थे कि हमें तो 15-15 एक एक महीने से बाहर भी निकले देते थे मतलब बंद करके रखते थे और उन्होंने बताया कि हमारे साथ इन्होंने अभद्र तरीके से मार पिटाई भी की है इन्होंने। और कोरोना वायरस के दौरान फ्रंट लाइन पर काम करने वाले सभी कर्मचारियों को कोविड-19 वैक्सीन का टीका लगवाया जा रहा है। इसी दौरान दो दिन पहले गोहाना नगर परिषद में सफाई कर्मचारियों को भी कोविड-19 वैक्सीन का टीका लगवाया गया था जिसके लगने के बाद 5 सफाई कर्मचारियों की तबियत खराब हो गई। कर्मचारियों की तबियत खराब होने के बाद गोहाना के नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया जहाँ डॉक्टर्स की टीम ने सभी का इलाज शुरू कर दिया है। डॉक्टर्स का कहना है कि सभी कर्मचारी बिल्कुल ठीक हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। कोरोना वैक्सीन के कुछ माइनर साइड इफेक्ट हैं, लेकिन इनसे घबराने की जरूरत नहीं। सफाई कर्मचारी हैं। वैक्सीन लगाई गई थी 3 दिन पहले, उनकी आज तबीयत खराब हुई है, आपने चेक किया है, क्या ये मामला है? हमने 5 जो मरीज हमारे पास आए 5 का ब्लड प्रेशर चेक कर लिया है, बुखार देख लिया है, उनके वाइटल देख लिए हैं, बिल्कुल वाइटल भी सही है, ब्लड प्रेशर ठीक है, बुखार हेडेक की कंप्लेन कर रहे हैं, कुछ कहते पेट दर्द की कंप्लेन कर रहे हैं। ये माइनर साइड इफ़ेक्ट हैं कोविड वैक्सीन के, लेकिन मन जो है मानसिक ज़्यादा उनको वो है, उनको समझा दिया गया है, दवाई दिलवा दी गई है, दे आर ऑल राइट, किसी को जान माल का खतरा इससे नहीं है। एकदम जो टीका कोरोना का लगा हुआ है ना जो सा, तो इससे तो सिर पकड़ा, हाथ पैरों में दर्द, बुखार और चक्कर से आ रहे हैं, ऐसे लग रहा है ऐसे कोई दारू पी रखी हो। कितने दिन पहले लगवाई थी? 3 दिन हो गए। 3 दिन हाँ, और तो कुछ नहीं है ना? और कुछ नहीं, और गुर्दे दुख रहे अंदर से पेट सारा। सफाई और वहीं चरखी दादरी में 2 दिन पहले एक युवक को गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी और पुलिस ने खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक युवक को गोली मारने वाला आरोपी हरियाणा पुलिस में है। सेवा सुरक्षा सहयोग का दम भरने वाली पुलिस ही अगर लोगों की सुरक्षा करने की बजाय आपराधिक प्रवृत्ति अख्तियार कर ले तो कहना ही क्या। जी हाँ, चरखी दादरी के मामले ने सबको हिलाकर रख दिया है जहाँ पर पुलिस की एसटीएफ टीम के द्वारा एक युवक पर धनाधन गोलियां बरसाकर उसकी हत्या कर दी गई। दरअसल मामला रविवार का है जहां 3 युवक एक काले रंग की आल्टो कार में महेंद्रगढ़ चुंगी के पास सवार होकर चाय पान कर रहे थे। इस बीच एक लाल रंग की ब्रेजा गाड़ी आकर पीछे रुकती है, धनाधन गोलियां बरसाई जाती हैं, उसके बाद पुलिस टीम
हालांकि जिस तरह की जानकारी मिली थी, पहले पुलिस के द्वारा जो मामला दर्ज किया गया था वो हत्या का मामला अज्ञात के खिलाफ दर्ज किया गया था। उसके बाद जब सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली गई तो जो लोग सामने आए, जिनके नाम सामने आए बरेजा गाड़ी के आधार पर, वो कोई और नहीं थे बल्कि हरियाणा पुलिस के एसटीएफ टीम के जवान थे, जिन्होंने इस बिना पर गोली मारी थी कि विक्की पंडित नाम का रोहतक में एक शख्स जिसकी हत्या हुई थी, उस मामले में जो गाड़ी प्रयुक्त की गई थी वही गाड़ी उसी के बिना पर आए थे, लेकिन गाड़ी कोई और थी और पुलिस को धोखा हुआ। बहरहाल एक अनजान और निरपराध युवक की जान जाने के बाद पूरा दादरी इलाका सकते में है। परिजनों के द्वारा मांग की गई है कि पूरे मामले की न्यायिक जांच की जानी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ अगर पुलिस की बात करें, पुलिस अधीक्षक के बयान से कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े होते हैं। पुलिस अधीक्षक ने जो बताया है उनके मुताबिक युवकों को भागते देखकर हवाई फायर किए गए थे, लेकिन कहानी कुछ और बयां करती है, सीसीटीवी कैमरे की फुटेज कुछ और ही बयां करती है। एसपी ये भी कह रहे थे कि पुलिस को देखकर, इस गाड़ी को देखकर युवक फरार हुए थे, इस वजह से हवाई फायर किए गए थे, लेकिन अगर हवाई फायर किए गए थे तो युवक के दिल को छेदती हुई गोली कैसे निकली। बहरहाल सवालिया कई निशान पुलिस की भूमिका पर खड़े हो रहे, लेकिन इस बीच एक पुलिसकर्मी हरेंद्र नामक युवक जो कि मदीना का रहने वाला था, रोहतक जिले का, उसको गिरफ्तार पुलिस के द्वारा किया गया है। इसके अलावा तीन जो पुलिस कर्मचारी थे उनको सस्पेंड किया गया है। लेकिन बड़ा सवाल एक और भी है कि आखिर सेवा सुरक्षा सहयोग का नारा कहाँ सार्थक हो रहा है। चरखी दादरी से हो गया अनिल लहरी में वीडियो जिले सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा। और वहीं सोशल मीडिया को लेकर सही और गलत की बहस हमेशा से चलती आ रही है, लेकिन कई ऐसे मामले सामने आ जाते हैं जो कि इस बहस को एक तरफा बनाने के लिए कई मजबूत वजह दे जाते हैं। ऐसा ही एक मामला जींद से सामने आया है जो कि माँ बाप को किसी भी बेटी और साथ ही बेटे के लिए भी एक सबक देता है और ये भी बताता है कि किसी भी तरह से आपको कोई अपना घिनौने जाल में फंसा सकता है। तस्वीरों में पुलिस जिस किशोर को पकड़े ले जा रही है, इसने एक ऐसी हरकत की है जिसकी वजह से हम इसका चेहरा आपसे छिपा रहे हैं। दरअसल जींद में एक 12वीं क्लास के छात्र ने वीडियो कॉल पर 11वीं की छात्रा का अश्लील वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद छात्रा और उसकी पुलिस की तहरीर पर महिला पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जिसमें लड़की ने बताया था कि मेरी वीडियो है ना वायरल कर दिया फेसबुक पे, तो मैंने उसमें केस रजिस्टर किया 66E 67B और 506 IPC 12 पोक्सो एक्ट में। तो उसमें लड़की ने बताया कि मेरे स्कूल का ही लड़का है और मेरी फेसबुक पे व्हाट्सएप के वीडियो कॉल के माध्यम से स्क्रीन रिकॉर्डिंग उसने मेरी वीडियो बनाई थी धमकी देकर, और उसके बाद उसने अभी वो वायरल कर दी है जिसमें लड़के अक्यूज को भी इसमें अरेस्ट कर दिया। छात्र छात्रा दोनों जींद के एक स्कूल में पढ़ते हैं। बताया जा रहा है कि लड़के ने नवंबर महीने में वीडियो बनाया था और अब उसे वायरल कर दिया। दोनों ही नाबालिग हैं और पुलिस अब आरोपी किशोर से पूछताछ में जुट गई है। ये बताती है कि इसमें मेरी नवंबर में वीडियो बनाई थी नवंबर 2020 में और जनवरी में वायरल की है। तो लड़की कौन से क्लास में पढ़ती है? लड़की 11th क्लास में पढ़ती है, लड़का 12th क्लास में पढ़ता है। जो अक्यूज का फ़ोन लिया गया उसमें फेसबुक पे डाटा डिलीट मिला है, वो फ़ोन को साइबर सेल में भेजा जाएगा, आगे जो भी होगा कोर्ट में जमा करवाया जाएगा रिपोर्ट। प्रदेश में ये ऐसा पहला मामला नहीं है जब ऐसी शर्मनाक हरकत की गई हो, लेकिन बच्चे और शायद बड़े भी इससे सबक नहीं ले पाते और यही वजह है कि घिनौनी मानसिकता के लोग भोली भाली बेटियों को अपने जाल में फंसा लेते हैं और फिर सोशल मीडिया को अपने मंसूबे पूरा करने का हथियार भी बनाते हैं। जरूरत है इनसे बचने की और इनको समाज के सामने बेनकाब करने की। जींद से रोहताश भोला, इंडिया न्यूज हरियाणा। और वहीं टोहाना केंद्र सरकार की स्ट्रीट वेंडर्स योजना के तहत रेहड़ी चालकों को सर्टिफिकेट दिए गए। इसके तहत रेहड़ी संचालकों को अब कम ब्याज पर 10,000 रुपए तक लोन मिल सकेगा। इस योजना के तहत जिले में 1,545 रेहड़ी वेंडर्स का चयन किया गया है। टोहाना के 343 वेंडर इसमें शामिल हैं। नगर परिषद प्रधान कुलदीप सिंह ने इस मामले की जानकारी दी है।
और मैं गुरुग्राम में फर्जी तरीके से प्लॉट बेचकर करोड़ों रुपए की हेराफेरी करने का मामला सामने आया है। मामले में एक एक लाख रुपए के नामी बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया ये जा रहा है कि आरोपियों ने 523 करोड़ से ज्यादा की धांधली की है। करोड़ों के फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड असल कंपनी के प्लॉट में रेकी कर फर्जी तरीके से उन्हें बेच देता था। प्लॉट खरीदने वाली पार्टी से अपने बैंक अकाउंट में रुपए ट्रांसफर करवा लेता था। आरोपियों से फर्जी आधार कार्ड समेत कई दस्तावेज बरामद किए हैं। हमने तीन आदमी एक एक लाख के इनामी हैं, जिनमें से एक लेडी भी है, इनको अरेस्ट किया है। ये 2018-19 में सुशांत लोक पुलिस स्टेशन में 5 मुकदमे दर्ज हुए, जिनमें ये आरोप था कि कुछ लोगों ने फर्जीवाड़ा करके फर्जी आदमी खड़े करके और असल ओनर्स के साथ धोखाधड़ी करके अपने बैंक अकाउंट खुलवा के और फर्जी रजिस्ट्री करके पैसे हड़प लिए अपने अकाउंट्स में, और वो फिर बाद में फर्जी अकाउंट ही कुछ कंपनीज के खुलवाए हुए थे, उनमें पैसा ट्रांसफ़र करके और खा के भाग गए। जिसके संबंध में सुशांत लोक पुलिस स्टेशन में 8 FIR दर्ज थी और 1 FIR सेक्टर 29 पुलिस स्टेशन में दर्ज थी, जिसमें से 5 FIR की हमारे को इन्वेस्टिगेशन दी गई। मेरे सुपरविजन में एक SIT बनाई गई, जिसका सुपरविजन DCP क्राइम साहब कर रहे थे। उसको ये जिम्मेदारी दी गई कि इन लोगों को गिरफ्तार किया जाए। और वे प्रदेश में पशुओं को मुहखुर गलघोटू जैसी बीमारियों से बचाने को लेकर 1 मार्च तक टीकाकरण अभियान चलेगा। किसानों और पशुपालकों में दूध उत्पादन को लेकर जागरूक किया जाएगा। पशुओं के टीकाकरण के लिए नूह जिले में 2,25,000 से ज्यादा वैक्सीन है और वैक्सीन की 1,35,000 डोज और पहुंच गई है। 15 दिन में टीकाकरण को पूरा कर लिया जाएगा। डॉक्टर्स ने पशुपालकों से टीके लगवाने की अपील भी की है। और वहीं हांसी में सीएम फ्लाइंग टीम ने खाद बीज और कीटनाशक की 5 दुकानों पर छापेमारी की है। कृषि विभाग और सीएम फ्लाइंग की 5 टीमों ने एक साथ कार्रवाई की है। छापे के दौरान टीम ने दुकानों से सैंपल भी लिए हैं। कृषि विभाग के अधिकारी डॉक्टर राजबीर सिंह ने बताया है कि CID और सीएम फ्लाइंग को नकली खाद बीज और कीटनाशक की पैकिंग की शिकायत मिली थी। मामले में जांच रिपोर्ट के बाद कार्रवाई की जाएगी। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।